जिला प्रशासन ने हमीरपुर शहर में अतिक्रमण पर कार्रवाई के दूसरे चरण में बस स्टैंड से आगे दुकानों के आगे से अतिक्रमण हटवाया। लोक निर्माण विभाग ने जेसीबी की मदद से दुकानदारों द्वारा कब्जाई गई जमीन में कब्जे को हटाया गया। कब्जे हटाने के बाद यहां पर फुटपाथ बनाए जाएंगे। इससे पहले स्थानीय प्रशासन ने पहले चरण में मिनी सचिवालय से लेकर नादौर तक दुकानदारों को नोटिस जारी किए थे, लेकिन दुकानदारों ने अतिक्रमण नहीं हटाया। उसके बाद विभाग ने मशीन से खुदाई कर फुटपाथ बनाने का कार्य शुरू कर दिया था। अभी मिनी सचिवालय से नादौर चौक तक फुटपाथ का निर्माण किया जा रहा है। जिला प्रशासन ने हमीरपुर शहर में अतिक्रमण पर कार्रवाई के दूसरे चरण में बस स्टैंड से आगे दुकानों के आगे से अतिक्रमण हटाया। लोक निर्माण विभाग ने जेसीबी की मदद से दुकानदारों द्वारा कब्जाई गई जमीन से कब्जे हटाए। कब्जे हटाने के बाद यहां पर फुटपाथ बनाया जाएगा। इससे पहले स्थानीय प्रशासन ने पहले चरण में मिनी सचिवालय से लेकर नादौन चौक तक दुकानदारों को नोटिस जारी किए थे, लेकिन दुकानदारों ने अतिक्रमण नहीं हटाया। इसके बाद विभाग ने मशीन से खुदाई कर फुटपाथ बनाने का कार्य शुरू कर दिया था। अभी मिनी सचिवालय से नादौन चौक तक फुटपाथ का निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा भोटा चौक से नादौन चौक तक विभाग ने दुकानदारों को नोटिस दिए थे, लेकिन उसके बाद भी दुकानदारों ने कब्जे नहीं हटाए थे। ऐसे में लोक निर्माण विभाग को कार्रवाई करनी पड़ी। अधिशासी अभियंता विवेक शर्मा ने बताया कि लोक निर्माण विभाग ने सड़क किनारे निशानदेही करवाई थी। इस निशानदेही में दुकानदारों के आगे विभाग की जमीन निकली थी, जिसे जेसीबी लगाकर समतल करवाया जा रहा है। अब विभाग सड़क किनारे फुटपाथ का निर्माण शुरू करवाएगा।